अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं घर में बचे हुए चावलों से बिरयानी। आज हमारे गेस्ट आने वाले थे घर पे, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए, तो चावल बहुत ज़्यादा हमने बना लिए थे, मटर के चावल बघार के, तो वो बहुत सारे बच गए हैं जिन्हें हम बिरयानी में कन्वर्ट कर देंगे। ये चावल हैं मटर के चावल, हमने इन्हें फ्राई करके वैसे बनाए थे, गाजरें भी डाली थी, मसाले भी डाले थे, सब कुछ। तो अब इसका हमें यूज़ करना है, इतने सारे चावल हैं पके हुए तो हमें इसका फेंकना नहीं है, इनका यूज़ करना है। तो हम बनाने जा रहे हैं इनकी बिरयानी। तो ये जो चावल बचे थे इनको हमने स्लो फ्लेम पर रख दिया है अभी थोड़ी देर के लिए कि ये अच्छे से गर्म हो जाए। ये जब गर्म हो जाते हैं तो फिर मैं बिरयानी बनाना आपको बताती हूँ। चिकन हमारे पास मैरिनेट करा हुआ रखा हुआ था, दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी और चिकन मसाला वगैरह सब लगा रखा था। उसमें हमने तला हुआ प्याज भी डाल दिया, तो ये इस तरह की ग्रेवी बन गई। तो इसी से हम इसको परत वाली बिरयानी बना लेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए चावल हमारे गरम हो गए हैं, ये भाप निकलनी शुरू हो गई है, इनको हम अच्छे से एक बार चला देंगे। बहुत अच्छे चावल बने थे लेकिन अब बच गए हैं, तो हम इनको वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसको हम बिरयानी बना लेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से हम चावलों को आधा बाहर निकाल लेंगे, ये अच्छे से गर्म हो गए हैं, देखिए भाप भी इसमें निकल रही है। आधे चावल हम बाहर कर लेंगे, फिर उसके बाद मसाले की तह लगाएंगे। अब हम ये मसाले की परत लगा देंगे, इसमें तह लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन और मसाला हम पूरे में अच्छे से बिछा देंगे। इधर हमने थोड़ी पुदीना और हरी धनिया को काट लिया है बारीक, और एक नींबू को हमने स्लाइस में, गोल स्लाइस में काट लिया है, इसको हम इसमें तह में लगाएंगे। इधर हमने मसाला पूरा अपना बिछा दिया अच्छे से इसमें चावलों के ऊपर, और अब हम पुदीना और हरा धनिया डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमने स्लाइसें नींबू की इस तरह से बिछा देनी है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। इस तरह से आप बचे हुए चावलों को वेस्ट नहीं जाने दीजिए, और इस तरह से उसे काम में ले लीजिए, बिरयानी बना लीजिए उसकी। किसी तरह भी आलू की भी बना सकते हैं हम, इस तरह से आलू को भी मसाले में पूरा कोट करके उसकी भी बिरयानी बना सकते हैं, और भी सब चीज़ों की, भाजियों की भी बना सकते हैं वेज बिरयानी। आप बस चावलों को और जो भी चीज़ बची है उसको वेस्ट नहीं जाने दीजिए, उसका कुछ एक नया आइटम सोचिए बनाने के लिए। खाने को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो भी है उसको नया पूरा एक न्यू रेसिपी बना के उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं जो खाने की बर्बादी करता है, उसका रिस्क को तंग कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह सभी के रिस्क में बरकत अता फरमाए और हमें नेक सालेहा बनाए। अब हमने हरा धनिया भी ऊपर से डाल दिया है, अब इसे दम पे रख देंगे। 5 मिनट हम फास्ट फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद स्लो कर देंगे फ्लेम को, और 5 मिनट फिर स्लो पे रहेगा। देखेंगे आप कितनी अच्छी बिरयानी बन जाएगी हमारी, और इसको हम दही के रायते इसके साथ भी खा सकते हैं, कचूमर जो बनाते हैं यहाँ पे वो ऐसा भी बना सकते हैं आप, उसके साथ किसी चीज़ के भी साथ इसको सर्व करिए। इसमें खूब अच्छे से भाप आ गई है, बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सलाद के साथ सर्व करेंगे। घी अप्लाई कर देंगे, थोड़ा घी ऊपर से डाल देंगे तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और हमने चारकोल गरम करके रखा है, उसको भी इसमें चारकोल का धुआं दे देंगे, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा बहुत अच्छा इसमें। अब हम इन्हें ढक के रख देंगे। तो लीजिए बनके तैयार है परत वाली बिरयानी हमारे बचे हुए चावलों से, हमने इसे बनाया है, आप भी इसी तरह से बनाइए और इस सलाद के साथ इसे सर्व कीजिए, और इसको बना के सर्व कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी टेस्टी लगेगी खाने में। आप भी बनाइए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।